भोलेनाथ को नंदी राम राम कहियो, राम राम कहियो ये पैगाम कहियो, राम राम कहियो ये पैगाम कहियो, भोलेनाथ को नंदी राम राम कहियो। हाथ हमारा प्रभु छोड़ न दीजो, हाथ हमारा, हाथ हमारा प्रभु छोड़ न दीजो, हाथ हमारा प्रभु छोड़ न दीजो, उनके कान में ये बात सुबह शाम कहियो, खर्चे हैं ज्यादा और थोड़ी कमाई, खर्चे हैं ज्यादा, खर्चे हैं ज्यादा और थोड़ी कमाई, खर्चे हैं ज्यादा और थोड़ी कमाई, थोड़े ज्यादा ही दे दो हमें दाम कहियो, बेटा न माने कभी बहु नहीं माने, बेटा न माने, बेटा न माने कभी बहु नहीं माने, बेटा न माने कभी बहु नहीं माने, मेरी निंदिया हुई है हराम कहियो, अब तो कमल को बस तेरा ही सहारा, अब तो कमल को, अब तो कमल को बस तेरा ही सहारा, अब तो कमल को बस तेरा ही सहारा, नहीं भूले से भी भूले मेरा नाम कहियो, राम राम कहियो ये पैगाम कहियो, राम राम कहियो ये पैगाम कहियो, भोलेनाथ को नंदी राम राम कहियो। विश्वनाथ हैं पूरे विश्व के नाथ, लेकिन कथा सुनने के लिए समुद्र के किनारे दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि के यहाँ बोलो फुर्सत निकाल के आए कि नहीं आए? वो अकेले नहीं आए, फैमिली के सहित आए, बोलो आए कि नहीं आए? संग सती जग जननी भवानी पूजो ऋषि अखिलेश्वर जानी, बोलो फैमिली के साथ आए कि नहीं आए? अरे तुम लोग तो सुपर फास्ट ट्रेन से आए, वो तो नंदी पे बैठ के आए आराम आराम से। उस समय सुपर फास्ट ट्रेनें कहाँ चलती थी बोलो भाई? ना उस समय प्लेन थे, ना उस समय सुपर फास्ट ट्रेन थी, सबसे कम गति से चलने वाला बोलो नंदी वृषभ है कि नहीं? बोलो है ना वृषभ? सबसे मंद गति से चलने वाला, उस पर बैठ के आए, बोलो कथा के प्रति रुचि है कि नहीं? कितनी रुचि है कथा के प्रति जरा सोचो। इसलिए मैं कहता हूं कि राम कथा सुनना सरल बात नहीं है, सामान्य लोग राम कथा नहीं सुन सकते हैं,
जिन्होंने भगवान शंकर जैसी तपस्या की होगी जीवन में वही राम कथा सुन सकते हैं, बाकी सामान्य के बस की बात नहीं है। आप सबने शिव जैसी तपस्या की है अथवा शिव की कृपा आपके ऊपर हो गई है। अगर आपने शिव जैसी तपस्या नहीं कर पाई प्यारे, कहीं मेरी वाणी से अतिशयोक्ति निकल रहा है तो ये मैं दावे से कह सकता हूं कि शिव की कृपा जरूर आपके ऊपर हुई है, तभी आप रामेश्वर धाम में कथा सुनने के लिए आए। नहीं, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, आपको मिला है, ये शिव जी की कृपा है। बोलो, है शिव जी की कृपा कि नहीं? एक और अद्भुत बात बताएं, समुद्र के किनारे आप हैं, कल जाना आप स्नान करने और जरा समुद्र का जल पीना, समुद्र का जल पीना कैसा होगा? हाँ, हम ये समझ रहे थे कि आप कहोगे बहुत मीठा, हम ऐसा समझ रहे थे, लेकिन वाह, आपने बहुत बढ़िया बात कही, खारा। देखो, थोड़ा ही पीना, जरा एक दो तीन गिलास मत पीना, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्यों भाई? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा खारा नमकीन है, समुद्र से ज्यादा नमकीन, क्योंकि